The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं संग फोटो वायरल होने से हुई फजीहत से बचने के लिए की गई गालीबाज। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी का मामला तोड़ पकड़ चुका है। संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा ने 21 अगस्त को नोएडा में व्यापक प्रदर्शन करने की चेतावनी देकर भाजपा की पेशानी पर बल डाल दिया है। निशाना भाजपा सांसद महेश शर्मा को बनाया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि सारी कार्रवाई उनके कहने पर ही हुई है। इस पर महेश शर्मा ने पत्र लिखकर पार्टी नेतृत्व को इससे अवगत भी करा दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि कुछ लोग, जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, उनकी वे पार्टी की छवि को धूमिल करा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद बदलते हालात में बहुत कुछ बदल गया। त्यागी ब्राह्मण और अग्रवाल की त्रिकोणीय राजनीति में फंसे सांसद महेश शर्मा का भाकियो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष बता रहे मांगेराम त्यागी से जिस तरह से बात करते हुए ऑडियो वायरल हुआ है, उसने सरकार की छवि को और डेंट दे दिया है। इस ऑडियो में मांगेराम त्यागी भाजपा में इस बार भूस भर देने की चेतावनी दे रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं वह ऑडियो। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम जी। भाई साहब प्रणाम, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब, इस विषय में हमारी मदद करो। ये जिस तरह से भाई मैंने त्यागी समाज के लिए एक शब्द बोला हो, मैंने ये कहा हो किसी त्यागी के खिलाफ, त्यागी ब्राह्मण सब एक माने जाते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये समाज की खाई को तोड़ के, जो मतलब बड़ी मुश्किल से तो ब्राह्मण लोग कहीं ना कहीं इकट्ठे होते थे। आपने जो जो बिना सोचो समझो जो ना काम करा दिया, अब आपने आवेश में आगे काम तो कर दिया, पूरे देश और प्रदेश में आपकी इतनी छवि धूमी लगी इस मामले से। और मैं बता रहा आपको, इस बात को बिल्कुल गौर से सुन लियो, हमारा जो युवा वर्ग है ना जी भाई साहब, इस हमारा जो युवा वर्ग है त्यागी समाज का, और हमारी तरफ तो ब्राह्मण भी जो ड्रेस में जनपद मुजफ्फरनगर में, आपका इसका भाजपा का इलाज भरेगा। अगर आपके दिमाग में यह है भाजपा के कि हम भाजपा के चमार हैं, दिमाग में तो निकाल लिया, भूस भर देंगे आपका। इसको आप प्रमुख सचिव से बात करो, आप योगी जी से बात करो, आप जैसे कैसे बात करो, तो 5-4 घंटे जुड़वा लो, तेरे पर मामला थमने का, तेरे हाथ तो सुनो। और यह बीजेपी इन छह बच्चों को छुड़वाने का करते हैं, नहीं ठेक नहीं, श्रीकांत त्यागी की धारा हटवा का, जितना इसका मैं दोस्त था हम भी उसको कहते कानून अपना काम करे। भाई साहब ये धारा कोर्ट में ठहरेंगी, ये तो मामला है ही नहीं, तो फिर क्यों क्या ठहरेंगी नहीं। आप एमपी हैं, एमपी साहब आपको सोला दे रही है बात, अविनाश अवस्थी जी साहब बात करे छोटे से प्रकरण में। भाई साहब आप कमिश्नर हमसे बात नहीं कर रहे जब सारा फोन, नहीं तो आप सुनो कमिश्नर की शायद आप दोनों दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसका तो कोई काम फोन करूंगा, किसे फोन करूंगा बताओ। अरे भाई सुनो, इन पर जो काम करवाया गया ये मेरा नंबर है, और आप जो है ना, चूंकि हम भी मुजफ्फरनगर से पूरे रेलवे के साथ मरने मारने को आ रहे हैं 21 तारीख में, आपको जो करना आप करोगे, लेकिन मेरी प्रार्थना आप पे, इसे ब्राह्मण और त्यागी समाज की लड़ाई मत बनाओ। इस ऑडियो में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को यह कहते हुए भी आपने सुना कि सोसाइटी में पकड़े गए बच्चों की जमानत का इंतजाम करते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनका हवाला देते हुए सांसद महेश शर्मा प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से मोबाइल पर यह कहते देखे व सुने गए कि उन्हें शर्म आ रही है कि भाजपा की सरकार है। देखिए वह वीडियो। मार रहे सर, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से, मैंने जब लव कुमार को फोन किया जब रणवीर को, तब यहाँ पुलिस आई है, मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी शोस्ती की, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। 21 अगस्त को नोएडा में प्रदर्शन होने जा रहा है, और इस बीच सांसद महेश शर्मा का एक और ऑडियो वायरल किया गया है। जाहिर है कि दोनों ही ऑडियो डॉक्टर महेश शर्मा ने तो वायरल नहीं किए होंगे। सुनिए ताजा तरीन वीडियो, इसमें वह बच्चों की जमानत होने की बात कह रहे हैं। हाँ भाई साहब, महेश बोल रहा हूँ। जी जी आजाद। हाँ भाई साहब, बच्चों की जमानत हो गई है जी, ठीक है जी। और इसमें जो धारा जी, हेलो मांगेराम बोल रहा है ना? हाँ मांगेराम जी बोल रहा हूँ, बताओ। हाँ, और उसकी जो धारा और वो जो विषय है उसको भी लेंगे जी जी। अच्छा है डॉक्टर साहब जी, मैं भी फिलहाल जंतर मंतर पाया हूँ, अलग से होकर बात कर रहा आपसे।
आप जो है, आप जो है ना, दे दो वहाँ खबर दे दो आप, नहीं आप जो है, मैं आपको थोड़ा इस मामले में सचेत कर रहा हूँ, आप जो है ना इसको जो इनकी धारावाला है ना, थोड़ा आपको जानकारी नहीं होगी, ये जो पुलिस धारा काट का भेज देगी इसकी जमानत हो जाएगी शायद की शायद। भाई साहब एक भाई साहब पहले कदम में मैंने यही कहा था, छह बच्चों के लिए कराते हैं, चलो छह बच्चे तो हो जाएंगे, तो इतने बड़े जो होना वो बच्चे होंगे। भाई साहब देखो ये मामला, मेरी बात सुनो, ये मामला पहले दिन जब वो वीडियो जब आ गया तो पार्टी के नड्डा जी इनके साथ फोटो खींची हुई थी उन्होंने, चल मैंने मेरी औकात थोड़ी मैं उसका कुछ करूंगा, जो फोटो सबके साथ मुख्यमंत्री जी के साथ आ गई तो पार्टी ने उस विषय को लिया है, मैंने नहीं लिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। जब अगर आपकी पार्टी वाले इस बात को ले रहे हैं सुन लो, संबित पात्रा भी आपका बोला हमारा भाजपा का, इससे कोई लेना देना नहीं है, उस संबित पात्रा जी को भी बोल दो मतलब त्यागी समाज का लेना देना नहीं तुम्हारे साथ, इना बनियो कोई रख लो मैं ठीक है। ठीक है इस खबर में फिलहाल इतना ही, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी, नमस्कार।